प्रेमी कम लुच्चा ज्यादा है। इसको तो दो चार थप्पड़ तो हम जड़ दें। चोली घगरा ढोरी छूछा करके ये हिट होना चाहता है, ये यादव के नाम पे कलंक है। मुझे भी ये दिख गया ना तो दो चार जूता तो इसके मुंह पे मैं रंग आप मार देंगी जूता? बिल्कुल मार दूंगी। ये जो प्रमोद प्रेमी है ये दो नंबर का आदमी है, गाना आता नहीं है गाने के लिए। ये लड़का दिखता भी है ना तो इसको पकड़िए, झोटा पकड़ के कूट दीजिए। आपको बता देती हूँ मैं लिखी शिकायत देने जा रही हूँ। दे देंगे बिल्कुल जी। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए भोजपुरी में आए दिन अश्लीलता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत कॉमन है और अश्लीलता ही लोगों को पसंद है, ये भी मैं मतलब आप मानने से इनकार नहीं कर सकते। ताकि कहाँ से इतना सह मिलता है कलाकारों को कि कहीं भी कुछ भी फुहड़ता कर दें और लोग उसे एक्सेप्ट कर ले, उस पर कोई बात ना हो, और अगर बात भी हो तब भी फर्क ना पड़े, अगली बार फिर वो करें। ऐसा ही कुछ कांड, ऐसी ही कुछ हरकत प्रमोद प्रेमी ने सरेआम स्टेज शो में किया लड़कियों के साथ, और लड़कियां भी बहुत सहज दिख रही हैं जो डांस कर रही हैं। अब बहुत बड़ा ये सवाल है कि क्या समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि कितना भी गंदगी फैला लो हम इसका मजा लेंगे, हम इसके ही प्रेमी बने रहेंगे। तो प्रमोद प्रेमी जी कर रहे हैं वो सही है क्या? बबीता मिश्रा जी हैं, कई मुद्दों पे सवाल उठाते रही हैं और खास करके महिला से जुड़े मुद्दे पे तो सवाल उठाती हैं। तो आज बहुत बड़ा सवाल बबीता मिश्रा जी से हमारा ये भी होगा कि जिन महिलाओं को आप सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं वही महिलाएं भी इसमें सहज दिख रही हैं, उस फुहड़ता में पूरा पार्टिसिपेशन है मतलब। तो सबसे पहले तो स्वागत है सच बिहार में आपका। जी आपके सच बिहार के जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको मेरा तहे दिल से प्रणाम। क्या कहेंगी, इस तरह की फुहड़ता भोजपुरी में रोज बढ़ रहा है और घट नहीं रहा और पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है कहीं ना। आपको याद होगा कि मैंने एक्चुअली मैं भोजपुरी को देखती नहीं थी, अब कुछ भोजपुरी को देखने आजकल तो काफी बोलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब से हमने देखा कि फुहड़ता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हम भी पत्रकार हैं और रही बात है पत्रकारिता नहीं, ये नहीं कहता। आप कहते हैं कि भाई बबीता जी ने भोजपुरी को तोजपुरी कहा, हमने तोजपुरी ऐसे ऐसे इंसान को कहा जो अश्लील दुकान चलाते हैं। ये प्रमोद प्रेमी कम लुच्चा ज्यादा है, इसको तो दो चार थप्पड़ तो हम जड़ दें। इसने देखिए लड़की भी उतनी ही गलत है। आप नाचने आइए ठीक है, आपकी मजबूरी है, आप अपने घर का पेट भरती हैं, सब सही है। क्या आप उसको उस समय दो चप्पल खोलती, जूता जो मिलता उसके मुंह पे दो चार जूता मार देती, उसकी औकात नहीं थी कि आपके प्राइवेट पार्ट्स को इस तरीके से छू लेता? आप लोग बिहार में जो इस तरीके से अश्लील हरकत जो आप करके चली जाती हैं, इसका परिणाम जो समाज में महिलाएं हैं, जो समाज में बेटियां जो स्कूल जाती है कॉलेज जाती है उसको इस परिणाम का को भुगतना पड़ता है, उस पे तंज कसा जाता है। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उन सबको जो कलाकार बनने की इच्छा रहती है, लड़कियां भी वो घर में बता सकती हैं क्या मैं भोजपुरी एल्बम में काम करना चाहती हूँ या फिर यहाँ, क्योंकि माँ एक माँ बाप को यही दिखेगा कि वहां पे कलाकार ऐसे करता है, सरेआम स्टेज पे प्राइवेट पार्ट दबा देता है। देखिए ना आप, देखिए ना जिस तरीके से ये अश्लील हरकत कर रहा है, उसके अंगों को छू रहा है और वो इतने सहज तरीके से, इसने मारा क्यों नहीं? ये देखिए गरीब होना शराब तो नहीं है, आप गरीब हैं, आप अपना जिस्म तो नहीं बेचती हैं, आप कलाकार के रूप में जाती हैं, लोग आपको देखते हैं। हम जैसे भी प्रतिष्ठित महिला हो या मध्यम वर्ग के लोग हों या कोई भी वर्ग के लोग हों आपको देखते हैं, डांसर कहते हैं सिंगर कहते हैं, अगर डांसर इस तरीके से अश्लील हरकत होते हुए बर्दाश्त कर ले तो उसको डांसर नहीं कहते। 5,000 कमाने के लिए आप पूरे शरीर को टच करवा रही हैं, उसी समय जूता उठाती मुंह पे चार पांच तमाचा देती, प्रेमी का प्रेमीगिरी निकल जाता। ये प्रमोद प्रेमी पे ऐसे अश्लील गाना और ऐसे अश्लीलता दिखाने के कर्म में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यही बेटियां जो अपने घर चलाने के लिए, पहले तो मैं बता दूं ये जो प्रमोद प्रेमी है ये दो नंबर का आदमी है, गाना आता नहीं है गाने के लिए, चोली घगरा ढोरी छूछा करके ये हिट होना चाहता है, ये बुरी तरीके से सोया हुआ था।
ये दो साल पहले हर आपको याद होगा, दो साल पहले भी ये जेल जाते जाते शायद बचा है आई थिंक। तो इसकी हरकतें ही ऐसी है, इसको मारिए, भोजपुरी जो समाज की जो उच्च वर्ग के सिंगर है इनको निकालिए, इसको मुंह पे काली पोतिए। हर महिलाओं को कहती हूँ, इसको रास्ता में अगर देख रहे हैं तो ये मत कहिए कि यादव है, यादव के नाम पे कलंक है। ये महिलाओं का अपमान करने वाला शख्स है, ये महिलाओं के साथ जो असली हरकत आपने तो उसको कर दिया, वो तो डांसर है, उसने उस रिएक्ट नहीं किया, उस समय दो चार जूता हो जाता तो आपका मुंह काला हो जाता, उसने नहीं किया। लेकिन इसने उकसा दिया, किसको उकसाया, जो समाज में बेटियां हैं, जो बेटियां स्कूल जाती है, जो बेटियां कॉलेज जाती है, जो बेटियां खुलेआम कोई बाजार जा रही है, उनके साथ कोई अश्लील हरकत इसी टाइप से कर सकता है। और ये ऐसी हरकतें देखकर तो कोई भी करेगा। हाँ, तो और उन सबको भी हम इसीलिए कहते हैं ये भोजपुरी है, भोजपुरी की गरिमा को खत्म करने वाला ये प्रमोद प्रेमी भोजपुरी है। और इसको मैं मिल गई ना, मुझे भी ये दिख गया ना, तो दो चार जूता तो इसके मुंह पे मैं रंग मार देंगी, बिल्कुल मार दूंगी। क्यों नहीं मारेंगे, क्यों नहीं मारे? नहीं, इनके बहुत रसूख हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, इनके पर पब्लिक जगह में महिलाओं का सम्मान करना सीख जाइए आप। मैं सम्मान करूंगी आपका, अगर दो जूता मार करके अगर महिलाओं को सम्मान मिलता है तो इसको मारना चाहिए, इसको समझाना होगा। हमारे भोजपुरी समाज में भी बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं, भरत शर्मा का जाके सॉन्ग सुनिए, एक भी अश्लील सॉन्ग नहीं है। आप शारदा सिन्हा का सॉन्ग सुनिए, एक भी अश्लील नहीं है। अब तक अश्लील सॉन्ग गा रहे थे, अब तक अश्लील सॉन्ग गा रहे थे लोग, असल हरकत करते हैं। बताइए जिस तरीके से ये छेड़छाड़ करते हैं, आप अगर किसी अच्छी लड़की जो बाजार जा रही है, कॉलेज जा रही है, 6 सेकंड देख लेते हैं तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस बनता है। मैं माननीय नीतीश जी से अनुरोध करूंगी कि इस पे केस होनी चाहिए, इस पर इस वीडियो के आधार पर इस पे चार्जेस लगनी चाहिए और ये जेल जाए, क्योंकि इसका मन भर रहा है। अगर इसने अभी इसको नहीं रोका गया, केस इस पे कौन करेगा? सरकार तो अपने से नोटिस करने वाली नहीं है। हम कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि बिहार सरकार ने पुलिस वेबसाइट को भी ओपन किया है, अश्लीलता के लिए भी, अश्लीलता और अश्लीलता गाने वाले, अश्लीलता दिखाने वाले, उस पर भी कार्रवाई होगी। और जब पुलिस की वेबसाइट, फेसबुक वेबसाइट है बिहार सरकार की, तो आप इस वीडियो का लिंक उस पे शेयर कीजिए और उनसे अनुरोध कीजिए कि इस पे एक्शन ले। देखिए एक्शन होती है कि नहीं होती है, बाकायदा हम देखते हैं इस, और हम कुछ करते नहीं है, बात करते हैं। मैं पब्लिक भी, बबीता जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, बता देती हूँ, मैं लिखित शिकायत देने जा रही हूँ। दे देंगे बिल्कुल, प्रमोद प्रेमी के बहुत सारे फैंस हैं आपके पीछे, देखिए ऑफ कोर्स आना चाहिए। मैं उनके भी घर में माँ बहन है, अगर वो इस तरीके से बबीता मिश्रा केस करेंगी हम इन पे, मैं एप्लीकेशन दूंगी कि इस वीडियो की बकायदा जांच होनी चाहिए। मैं मुख्यालय को एक कॉपी भेजने जा रही हूँ। अच्छा, आपको वो आप भी कर सकते हैं। हाँ, एकदम करनी चाहिए। पत्रकार, यू आर मीडिया, आप में वो ताकत है, आप नहीं चाहते कि बिहार में इस तरीके से जो कोर है भोजपुरी के नाम पर, जो गंदा अश्लील गाना और साथ में अश्लील हरकत महिलाओं के साथ, तो क्या आप इसको बर्दाश्त करेंगे? बिहार का नाम बर्बाद करेंगे? नहीं, बिहार का नाम बर्बाद करने देंगे, हाँ या ना? नहीं करने देंगे। लेकिन मैं ये भी तो जानता हूँ कि यहाँ के एक बड़ा दर्शक कौन है, कौन है दर्शक? वही मैं कह रहा हूँ, दर्शक वर्ग भी तो बहुत बड़ा फूहड़ है, उसे मजा है। कौन दर्शक के भी तो घर में माँ बहन है। अगर उसी दर्शक में, आपने देखा होगा कभी किसी बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, कभी किसी के बेटी के साथ छेड़छाड़ हो जाता है। आज मीडिया के पास हमारे बिहार में इतने साधन हो गए हैं कि तमाम चीजें मोबाइल में ही दिख जाती है, तो वो जो एक उत्तेजना होती है वो कहाँ जाता है? डांसर पे तो नहीं निकलेगा, वो कौन कहाँ निकलेगा? हमारे आपके जैसे जो बच्चियाँ, बच्चे लोग, माँ बाप हैं, वो बेटियाँ, तो उसको गंदी निगाहें से देखता है, क्योंकि उसने देखा कि चोली में ऐसी कुछ दिखती है, तो उसकी नजरें तो गंदी हो गई ना। जब गंदी होती है तो आए दिन समस्या आपको देखना पड़ता है, और हम भी लोग देखते हैं कि बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं बिहार हो, यूपी हो, किसी भी में, सोशल मीडिया
मैं इस तरीके से गंदा नाच और गंदी हरकत जो प्रमोद प्रेमी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। इसको ये लोग का एक पैटर्न है, जब ये लोग का वीडियो डाउन होता है, जब भी ये लोग का चलना बंद हो जाए, ये लोग इस तरह का हरकत बढ़ा देता है धीरे से। हे भगवान, ये लोग आते कहाँ से हैं? कभी कभी हम सोचते हैं ये आते कहाँ से हैं, जन्म तो अपने माँ के कोख से लेते हैं। एक्चुअली वो लोग दर्शकों को भी समझते हैं, दर्शक भी इतना ही फुहड़ है। एक बार बता दे, अपनी माँ और बहन का कपड़ा ढकने के लिए दूसरी माँ बहन का इज्जत जो है वो सरेआम स्टेज पे दिखाते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, और वो तो वहाँ वो छू नहीं सकते, वो तो सिंगर के रूप में छू लिए, लेकिन जो दर्शक देख रहा है वो तो छू नहीं सकता। वो किसको छुएगा? एक मासूम सी बच्ची को निशाना करेगा, एक मासूम सी बच्ची का शिकार करेगा। तो हमें एक महिला होने के लिए एक महिला का धर्म होना चाहिए, जो हर महिला को मैं बोलूँगी कि आपके गाँव में अगर ये लड़का दिखता भी है ना तो इसको पकड़िए, झोटा पकड़ के कूट दीजिए। चलिए बबीता मिश्रा जी, शुक्रिया इस बात पे आवाज़ उठाने के लिए, और बहुत ज़रूरी है। एक बात तो इन्होंने भी माना कम से कम कि उसमें जो साथ में महिला भी हैं, ठीक है उसकी मजबूरी होगी, लेकिन वो अग्री कर रही है कि उसके साथ इस तरह का बर्ताव हो। और सबसे बड़ा चैलेंज आज के टीनेजर्स लड़के लड़कियों के साथ है जिनके साथ ये घटित होगा, वो लड़के जो आज समझते भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है, इसका रिप्लिकेशन क्या होगा। मैं जाते जाते एक बात आपको कहना चाहूँगी, नीतीश जी से मैं प्रार्थना करती हूँ, वो सर आप देख रहे होंगे मुझे, मैं प्रार्थना इसलिए कर रही हूँ कि जो आज के डेट में जिस तरीके से अश्लीलता परोसी जा रही है जिसके जरिए सोशल मीडिया के जरिए, तो प्लीज़ इस पर कुछ कमान करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से भोजपुरी समाज में नंगापन दिख रहा है वो उसको ढकने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा बिहार स्वच्छ रहे, हमारी बिहार की महिलाएं सशक्त रहे, मजबूत रहे, और कहीं ना कहीं अपने आप को महफूज समझे। नीतीश बाबू के को मुखिया मानते हुए मैं उनको पिता तुल्य हैं वो हमारे, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि ऐसे ऐसे भोजपुरी समाज जो गंदा कर रहा है, जो भी लोग गंदा कर रहे हैं गाने को और अश्लील हरकत कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। और बहुत ही सख्त ज़रूरत के साथ साथ भोजपुरी से प्यार करने वाले वो सभी लोग, भोजपुरी के दर्शक और भोजपुरी के चहेते के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी भाषा, आपका जो देश दुनिया में जाना जाता है आर्ट, वो बदनाम ना हो। आज भोजपुरी एक सेमी पोर्न की तरह ही देखे जाने लगा है, इसके आने वाले वीडियोस कहीं कोई अच्छा नहीं है। जो नदिया के पार में गाने भोजपुरी टोन में यूज किए गए हैं वो गायब हैं, यहाँ का सिनेमा पूरी तरह से गायब हो गया भोजपुरी का। क्यों? क्योंकि गंदगी का बाजार धीरे धीरे रोज आ रहा है, और अब तो सरेआम स्टेज पे आ रहा है। ढोरी में दारू पीता है क्या? मैं आपसे इतना बताती हूँ, सब कुछ बन रहा नहीं, भोजपुरी में दारू भी पीता है नहीं। ढोड़ी तो भोजपुरी में एक्सपेरिमेंटल पदार्थ है, हाँ। जिसपे माटी भी लगाते हैं, हाँ। खोदते भी हैं, हाँ। काटी भी मारते हैं, दारू भी पीते हैं, हाँ। बटाम भी लगाते हैं, 32 GB के रैम चिप्स। तो ऐसे ऐसे गाने पर बैन, जबकि बिहार सरकार ने पब्लिक नहीं, सख्त कानून से नहीं बबीता जी, पब्लिक की भी तो गलती है ना, पब्लिक को बहुत मजा आता है। 500 मिलियन व्यूज, आपको पता है आप न्यूज की स्टोरी करती हैं, आपको 5 मिलियन व्यूज के लिए कितना मेहनत करना पड़ता होगा, 500 मिलियन व्यूज। अच्छी चीजों को आप अप्रिशिएट नहीं करते, जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो उसके लिए आप खड़े नहीं होते, क्या अच्छे कलाकार गोरी चोली के लिए खड़े होते हैं? तो ये वर्ग कौन है? आइए बाहर, हे प्रभु जो देखने वाले हैं, हे पिता तुल्य प्रभु मेरे भाई, आप अपने माँ बहन को उस रूप में देखना चाहते हैं तो बेशक देखिए, लेकिन प्लीज आप मत देखिए। चलिए शुक्रिया आपके समय के लिए, और मैं यही कहूँगा कि आपके भरोसे, और मैं मुझे आपसे सच पूछिए तो मुझे भी भरोसा नहीं, आपसे भी नहीं, क्योंकि अब उस फोहड़ता को रोज आप बढ़ावा दे रहे हो, मैं नहीं दे रहा, रोज आप दे रहे हो बढ़ावा, रोज देख रहे हो, 500 मिलियन व्यूज है। एक छोटा कलाकार जो घर से मेहनत कर रहा ना, वो मोटिवेटेड है कि यही करो तो देखेगा लोग। तो आपकी भी गलती इतनी ही है जो प्रमोद प्रेमी कर रहा है उसमें। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए सच विहार, नमस्कार।